हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बंजारा मार्केट की, जो कि दिल्ली की रादर गुड़गांव की बहुत ही फेमस मार्केट है। सो मैं जब अभी दिल्ली गई रिसेंटली, मुझे तो प्लान था ही कि मैं लास्ट डे जो है वो मैं बंजारा मार्केट के लिए रखूंगी। सो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ सभी कुछ, मतलब मेरी जो भी एक्सपीरियंस रही है, आपको किस टाइम पे जाना चाहिए, आपको कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मार्केट अभी बंजारा मार्केट के नाम से मैप में मार्क्ड होगी। तो आपको कहाँ पे जाना है, किस टाइम पे जाने से सबसे बेस्ट आप बार्गेन कर सकते हो, वहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाएगी। और मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ अगर आप दूसरे स्टेट में भी लेके आते हो सामान बंजारा मार्केट से, तो आप कैसे लाओगे। सो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको जाना किस मार्केट में है। आपको बहुत सारी बंजारा मार्केट नाम की जो मैप में पिन किया हुआ है वो दिख जाएगा, लेकिन आपको जाना है सेक्टर 62 वाली बंजारा मार्केट में या सेक्टर 65 वाली बंजारा मार्केट में। नाउ आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं सेक्टर 62 भी बोल रही हूँ और सेक्टर 65 भी बोल रही हूँ, ऐसा क्यों। सो ऐसा इसलिए है कि जो लेन में वो मार्केट बैठती है ना, उस लेन की जो लेफ्ट साइड की एड्रेस होती है वो सेक्टर 62 आती है, गुड़गांव सेक्टर 62, और जो राइट साइड की एड्रेस आती है वो आती है सेक्टर 65। तो काफी वीडियोज आपको दिखेंगे जो बोल रहे हैं कि सेक्टर 65 वाली बंजारा मार्केट, और काफी वीडियोज आपको दिखेंगे जो बोल रहे हैं कि सेक्टर 62 वाली बंजारा मार्केट। प्लीज बी अश्योर्ड कि वो ये जो दो मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं वो सेम मार्केट है। नाउ आपको क्या करना है, मैप में जो लोकेशन है ना वो देना है कि जेएमडी एम्पायर सेक्टर 62 गुड़गांव। आप सेक्टर 62 जेएमडी एम्पायर डालते हो तो आपको जहां पे आपकी कैब वाला या रिक्शा वाले भैया वहां पे उतारेंगे, वहां से आप अगर थोड़ा सा आगे चल जाओगे 100-200 मीटर की दूरी में ही आपको बंजारा मार्केट दिखने लगेगी। नाउ अगर आप न्यू दिल्ली से जा रहे हो तो आप बंजारा मार्केट कैसे पहुंचोगे, इस मार्केट का कोई नियरेस्ट मतलब वॉकिंग डिस्टेंस वाली मेट्रो स्टेशन नहीं है। सो अगर आप न्यू दिल्ली से जा रहे हो तो भी आप मेट्रो ऑप्ट करो। आप मेट्रो कैसे ऑप्ट कर सकते हो, आप येलो लाइन की कोई भी मेट्रो में चलोगे ना तो आपको सिकंदरपुर नाम की एक स्टेशन पे उतरनी है। सिकंदरपुर आप जैसे ही उतर जाओगे वहां से आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, इधर आप वहां से ही ऑटो कर लो, वहां से ऑटो करके जो मैंने अभी जो लोकेशन बताया ना जेएमडी एम्पायर वो डाल दो, वहां से आप पहुंच जाओगे बंजारा मार्केट। या तो आप एक काम कर सकते हो, सिकंदरपुर से आप और एक मेट्रो चेंज कर सकते हो, मतलब लाइन चेंज कर सकते हो, आपको रैपिड मेट्रो लेनी पड़ेगी। वहां से आप सेक्टर 55-56 गुड़गांव वाला जो स्टेशन है वहां पे उतरोगे, पर वहां से भी आपको फिर भी ऑटो करनी पड़ेगी। अगर ये रैपिड मेट्रो में जाकर आप ऑटो करते हो तो डिस्टेंस अप्रॉक्सिमेटली 5 किलोमीटर की जाएगी, और अगर आप पहले सिकंदरपुर स्टेशन से ऑटो करते हो तो आपको डिस्टेंस अराउंड 11-12 किलोमीटर जाएगी। तो हमने क्या किया था, हमने सिकंदरपुर से ही हमने ऑटो कर लिया था और हम गुड़गांव की तरफ चलने लगे। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हम गुरुग्राम एंटर कर चुके हैं, हमने ऑटो ले लिया था, और जैसे ही हम गुरुग्राम एंटर कर चुके थोड़ा सा आगे जाने के बाद ही हमको बंजारा मार्केट जैसी बहुत ऐसे क्लस्टर में छोटी छोटी मार्केट दिखने लगी। हम उसको भी आगे छोड़ के जो हमने लोकेशन बताया आपको कि जेएमडी एम्पायर डालना है वहां पे पहुंच गए। वहां से थोड़ा आगे जाते ही हमको बंजारा मार्केट दिख गया। ये एक्चुअली सेक्टर 62 बंजारा मार्केट की एग्जिट है जहां पे भैया ने हमको छोड़ा। एग्जैक्ट मार्केट में घुसने के पहले भी रास्ते में काफी सारा आप देख पा रहे हो कि ऐसे शॉप्स लगे हैं, हम वहां पे तो नहीं रुके, हम डायरेक्ट ऐसे मार्केट में एंटर करने लगे। और पहला ही शॉप हमको जो दिखा ये एकदम वेरी ब्यूटीफुल पीसेस आपको यहाँ पे दिखने लगी, वासेज है और बॉल्स है, प्लांटर्स है, ऐसे छोटे छोटे जो दीवार पे लगती है वैसे वासेज है। और इसके बाजू में लगा हुआ था ये जो ओरिजिनल प्लांट्स के आप दुकान देख रहे हो वो एक लगा हुआ था। उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़े शॉप्स दिख जाते हैं जहाँ पे आपको शुगर केन जूस और चाट वगैरह मिलता है। हमने डिसाइड किया पहले थोड़ा सा शुगर केन जूस पी लेते सो दैट वी हैव ऑल द एनर्जी टू एक्सप्लोर द मार्केट। और उसके बाद हम चल दिए मार्केट के अंदर। ये शॉप भी जैसे आप देख पा रहे हो कि जो हर वीडियो में आपको दिखता है कि कोई सामान रखने का बड़ा जो कंटेनर होता है वैसा, जैसे सर्विंग बोल्स होते हैं, फिर बहुत ही वाइब्रेंट प्रिंट्स के बहुत सारे चीजें आपको दिख रही है यहाँ पे। नाउ अभी जो नया आया हुआ है वो है ये जो ग्रीनिश और ब्लूइश एक डुअल टोन टाइप का आपको क्रॉकरी सेट दिख रहा है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो और कुछ नए तरह के वासेस आए हैं यहाँ पे। ये देखो एक फेस टाइप का वास है, उसका छोटा साइज भी है, उसके नीचे आप देख पा रहे हो थोड़े स्पाइरल ऐसे शेप किया हुआ है वास में। और उसके बाद जो लाइट्स है उसी दुकान के अंदर हमको ऐसे बहुत अच्छी अच्छी वॉल हैंगिंग दिखने लगी। ये जो गोल वाली आपको दिख रही है जिसमें एक्रेलिक टाइप की फिनिश दी हुई है ग्लॉसी फ्लोरल वाली, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। इधर बहुत अच्छी अच्छी फाउंटेन्स भी दिखेंगे आपको, जब लेटर हाफ में हम थोड़ी शाम हो जाएगी मैं और दिखाऊंगी ना, वो बहुत अच्छा लगने लगा था। देन ऐसी यूनिक छोटी छोटी पीसेस, ये जैसे व्हाइट कलर का आप देख पा रहे हो, इसमें कैसे आप की वगैरह रख सकते हो, बहुत अच्छा था। और फिर ये ट्री ऑफ लाइफ, उसके बाद हम आगे बढ़ने लगे। ये स्टैंडिंग मिरर्स बहुत अच्छे थे, मुझे लेने का बहुत शौक था। आपको मिरर भी मुझे जितना लगता है आपको 1500 तक मिल जाएगा। फिर आप देख पा रहे हो ये नई टाइप की चेयर्स आई हुई है, ये चेयर्स मैंने दूसरे वीडियो में देखा था कि किसी ने लिया था, तो हमारे दिमाग में ये भी था कि हमें चेयर्स लेने हैं अपने बालकनी के लिए, पर देन हमने ना ऐसे बेंच टाइप का सेटअप देखा और हमें वो पसंद आ गया, मैं लेटर हाफ में दिखाती हूँ। देन आप देख पा रहे हो जो कॉमन डोनट वास और ऐसे कैक्टस और ये वाला हॉलो शेप का जो वास है वो सब है, बाकी फर्नीचर्स बहुत है। फिर आप देख पा रहे हो यहाँ पे वॉल मिरर है कितने अच्छे अच्छे छोटी छोटी, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। देन लंबी वासेस थी, ये मैंने ना मिस कर गई थी मैं पहले, वरना शायद एक बड़ा सा वास मैं भी लेती, पर समहाउ आई मिस्ड दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। देन आप देख पा रहे हो कि रॉकिंग चेयर टाइप के है, क्लॉक से वॉल क्लॉक से बहुत अच्छे अच्छे ऐसे यूनिक यूनिक बहुत सारे सेंटर पीसेज है, शो पीसेज है। देन आप जो देख पा रहे हो अभी ये कलरफुल रेड और ब्लैक और ब्लू व्हाइट, ये जो शाइनी मटेरियल के ये जो हाथी का दो सेट था, इस दुकान में मैंने बार्गेन करने की कोशिश की पर मुझे ना वो अपने प्राइस पे नहीं मिला, देन आई स्किप्ड दैट थिंग। आफ्टर दैट आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स है, ये लाइट्स भी मुझे बहुत प्रिटी लगी और हमें लेने का अगेन बहुत शौक था।
सकते हैं। देन ऐसे डाइनिंग टेबल में रखने के लिए मुझे ये पीसेस बहुत अच्छी लगी, छोटी छोटी है, जो आपका जो डाइनिंग टेबल का शो है ना वो बहुत अच्छा कर देता। देन आपको ऐसे DIY के सामान बहुत सारे मिल जाएंगे जिसको आप पेंटिंग करके अपने हिसाब से कर सकते हो। देन हमने इस जगह पे ऐसे ये दो छोटे शोपीस देखे जो घोड़े का मुंह है वैसा टाइप का। आगे चलते हुए आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी आपको ऐसे मुझे ये सब ज्यादा प्रिटी लगा, कैंडल स्टैंड वगैरह डाइनिंग टेबल के लिए। बाकी आप अपने हिसाब से कैसे भी उसको स्टाइलिंग कर सकते हो अपने घर में। बहुत प्रिटी प्रिटी पीसेस थे ये सब। के बाद जैसे आपको वासेस दिख रहे हैं सेट ऑफ 3 एंड एवरीथिंग। देन ये जो शोपीस है जैसे हिरन आप देख पा रहे हो यहाँ पे, वो भी काफी अच्छा था। मिरर मुझे ऐसा लेने का बहुत शौक था पर मैंने वो मिरर नहीं लिया, मैंने एक ट्री ऑफ लाइफ लिया जो मैं बाद में दिखाऊंगी। देन ये प्लांटर स्टैंड बहुत प्रिटी है, हमने एक प्लांटर स्टैंड लिया है। देन ये जो वॉल हैंगिंग्स आप देख रहे हो राजस्थानी स्टाइल का, वो बहुत अच्छी थी। देन ये है एक बॉटल रखने का स्टैंड, ये काफी यूनिक लगा। दो शेप का दिखा, ये एक शू का था और एक गिटार का था, बट देन अगेन इतना स्पेस हमारे पास नहीं है तो हमने वो भी स्किप किया। देन आते ये छोटे वाली चीजों में, आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी आपको थोड़े थोड़े यूनिक चीजें दिख जाएंगी। जैसे पंपकिन शेप का एक है जिसपे आप कुछ स्टोर कर सकते हो, छोटा चटनी वगैरह स्टोर कर सकते हो। देन ये एक शॉप था जहां पे आपको बहुत सारी शो पीसेस मिल जाएंगी। देन ऐसे आपको मैक्रम की बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, रग्स मिल जाएंगे, कार्पेट्स मिल जाएंगे। तो देन हम आगे बढ़ते हुए हम चले गए ये बेंच के साइड में, जो हमारा मेन प्रायोरिटी था कि हमें अपनी बालकनी के लिए चाहिए। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्टूल्स है, चेयर्स है, बेंच है। इस शॉप पे काफी मतलब अच्छा कलेक्शन था तो हमने यहाँ से एक बेंच लिया है। देन हम चले गए यहाँ पे हमारी क्रॉकरी सेट के और, जो हमें लेना था ये जो मैंने ग्रीनिश और ब्लूइश कलर आपको बोला ना उस कलर में। बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे हो डोनट वासेस अभी काफी कलर्स में आ गया। मार्बल टॉप का टेबल भी है, हमने वैसा भी लिया है। नाउ दिस इज द ट्री ऑफ लाइफ जो हमने लिया है, दिस लुक्स वेरी प्रिटी। देन बाकी जो ये मिरर और ऐसे एकदम ग्रैंड ये सब दिख रहा था ये भी बहुत अच्छा था। बटरफ्लाई शेप का जो एक शोपीस है ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा था। देन यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस दुकान में बहुत सारी ऐसे गोल्ड टोन की बहुत सारी यूनिक यूनिक शोपीसेस थी। देन जो डोनट वास का मैं बात कर रही थी ये वो है, बहुत सारे पेस्टल शेड्स में ऐसा आया है। और ये है वो फाउंटेन्स जो मैं एकदम शुरू में दिखाया था आपको और कहा था कि जब थोड़ी शाम हो जाएगी और यहाँ पे लाइट जलने लगेंगे मैं तब आके फिर से दिखाऊंगी। देन यहाँ पे और भी यूनिक शेप के वास ऐसे आए हुए हैं जैसा मैं बता रही थी। देन बहुत सारी ऐसे शोपीस जो रेगुलर होती है वो तो है ही। देन यहाँ पे बहुत सारी टेबल लैंप्स थी और अगेन ऐसे गोल्ड टोन के बहुत कुछ था। यहाँ से हमने एक टेबल लैंप लिया है, बहुत बार्गेन करने के बाद वो लिया था। देन ये जो लाइट्स आप देख पा रहे हो वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। और यहाँ पे खत्म होता है अपना पूरे दिन का बंजारा मार्केट घूमना। एंड काफी मजा आया पहली बार बंजारा मार्केट घूम के, काफी कुछ शॉपिंग किया तो काफी मजे आए। तो देखा आप लोगों ने कि हमने कितना घूमा बंजारा मार्केट। हम लोग पहुंचे थे अप्रॉक्सिमेटली 2 बजे शायद और हम लोग वहां पे 8 बजे तक रुके थे ऑलमोस्ट। तो कुछ पॉइंटर्स है जो मैं बोलूंगी। एक तो अगर आप दूसरे स्टेट में लेके आते हो तो उसके लिए थोड़ा सा झंझट हो जाता है। हमारी जो शिपिंग चार्ज लग गई दिल्ली से यहां तक लाने में, गोवा तक लाने में, वो 5,000 की लग गई। वो हम कमाने की कोशिश कर रहे थे, हमें लगा था 3,000 तक बात बन जाएगी पर वो नहीं हो पाया। तो वहां पे उनकी ना अपनी एक मतलब ट्रांसपोर्ट की चेन है जो 2-3 ट्रांसपोर्ट वहां पे काम करती है, तो आप उनको दे दोगे तो वो आपका पैक भी कर देते हैं और वहां से शिप भी करते हैं। मुझे लगा था वो लोग खुद ट्रांसपोर्ट करते हैं पर वो लोग खुद ट्रांसपोर्ट नहीं करते। हम लोग वापस आने के बाद जब वो लोग अपना ट्रैकिंग आईडी शेयर कर रहे थे ना तो मैंने देखा कि उन्होंने एक्सप्रेस भी का जो ट्रैकिंग आईडी है वो हमसे शेयर करा। सो बेसिकली व्हाट दे डू, वो लोग पूरा पैकिंग कर लेते हैं और फिर उसके बाद कोई भी जो कुरियर सर्विस होती है उनको देते हैं। मैंने जो बिल देखा उसमें 50 kgs का ऐसे बिल बनाया था उन्होंने। और जो बेस्ट टाइम मुझे लगा वहां पे पहुंचने में वो है थोड़ा फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, मतलब 10 बजे बोलते हैं कि मार्केट शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है अपना दिन में जितना निपटा लोगे उतना अच्छा है, क्योंकि जैसे ये शाम होने लगती है मैंने ये देखा कि उनका जो मतलब बार्गेनिंग करने की जो वो जो टेंडेंसी है ना वो पता नहीं कम हो जाता है। तो हमें ऐसा लगा कि हमें थोड़ा सा मतलब दोपहर तक 4-5 बजे मैक्सिमम तक सब कुछ रैपअप कर दो तो आप फायदे में रहोगे, ऐसा मुझे लगता है। देन अनदर चीज जो मुझे ऐसे रियलाइजेशन हुआ, आप कोई भी शॉप में जाके उनकी जो लेडीज है ना उनसे डील करोगे तो यू विल फाइंड अ बेटर डील। अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में आपकी वापस जर्नी है, तो आई थिंक आप बड़ा कार्टून भी अगर एक जुगाड़ कर लोगे और आप छोटे सामान खरीद रहे हो जो बहुत बड़ा नहीं है उसमें भी आप रख के फिर आ सकते हो। तो हमारे केस में क्या था, मैंने क्या क्या खरीदा वो मैं एक वीडियो बना दूंगी, एक हॉल वीडियो में बनाऊंगी। अगर आपको देखना है तो आप मुझे बताइएगा जरूर, तो आप देख पाओगे कि 5,000 रुपए में हमने क्या क्या सामान बेसिकली लाया है वहां से। और आई थिंक हम थोड़े और सामान भी डाल सकते थे उसमें पर अगेन हम लोग भी बहुत ज्यादा थक चुके थे तो उसके बाद हमें और मन नहीं कर रहा था तो फिर हमने और कुछ सामान नहीं लिया। पर ओवरऑल एक्सपीरियंस था बंजारा मार्केट की, प्राइस पॉइंट वाइज बोलो या क्वालिटी वाइज बोलो, हमारी बहुत ही अच्छी रही। मुझे जितना दिखा कि आई थिंक वो लोग रहते भी वहां पे है, मतलब मार्केट के पीछे उनका ऐसे घर भी रहता है छोटा सा, तो आई थिंक दे ऑल्सो डिजर्व अ मच बेटर लाइफ। तो हम अगर थोड़ा सा भी अपने एंड से कर पाते तो वाई नॉट, सो दिस इज वट आई फील। हमें ऐसे भी कम दाम में मिल रहा है सो आई थिंक हम मतलब बहुत ज्यादा भी उनसे बार्गेन ना करें तो अच्छा है। मतलब 100-200 रुपए में शायद हमारा ज्यादा कुछ नहीं जाएगा पर दैट कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन देयर लाइफ प्रोबेबली। सो ये भी ध्यान रखिएगा कि आप जब बार्गेन कर रहे हो आप इतना भी ज्यादा बार्गेन ना करो कि वो मतलब उनको ज्यादा कुछ ना बचे, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और मैं जब वहां पे वीडियोस बना रही थी मुझे देखिए कुछ लेडीज ऐसे आके मुझे ऐसे बोलने लगी कि दीदी आप यूट्यूबर हो ना तो आप लोग प्लीज अपने वीडियो में ऐसा बताया करो ना कि हमें एक फिक्स्ड जगह दे दे, मतलब नहीं तो हम लोग इधर और उधर घूमते रहते। जैसा मैंने बताया कि पहले मार्केट कहीं और लगती थी, अभी मार्केट कहीं और लगती है, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द मार्केट। तो उस हिसाब से वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि अगर उनको एक जगह मिल जाती तो शायद इतना कंफ्यूजन नहीं होता और कस्टमर भी उनको ज्यादा आते। आई फील कि उनको भी अगर एक जगह मिल जाए तो वो डेफिनेटली अच्छा रहेगा। सो आई डोंट नो इफ माय वीडियो कैन मेक एनी डिफरेंस एट ऑल बट
अगर होता है तो दैट्स गुड फॉर देम. अगर आई जस्ट वांटेड टू कन्वे दिस एज वेल बिकॉज वो लोग चल के आके मेरे को ये बात बताए. सो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट आई एम एक्चुअली पुटिंग आउट दिस मैसेज इन माय वीडियो एज वेल. सो या दैट्स ऑल. बाकी ओवरऑल मेरी जो मार्केट की एक्सपीरियंस रही है वो बहुत ही अच्छी रही है एंड आई रियली होप यू गाइस आल्सो एंजॉयड दिस वीडियो. एंड इफ यू वांट टू सी द हॉल प्लीज लीव अ कमेंट बिलो. आई विल डेफिनेटली मेक अ बंजारा हॉल वीडियो फॉर यू गाइस. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई विल सी यू गाइस अनदर टाइम सुपर सून. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.